घुमारवीं उपमंडल के अंतर्गत पड़ने वाले पंचायत कुठेड़ा के गांव मसौर में गत रात्रि एक ही परिवार के तीन लोगों की दम घुटने से हालत दयनीय हो गई, जिसमें एक लड़का जो भी मात्र 25 दिन का था उसकी मौत हो गई है। घटना का पता सुबह उस समय चला जब पड़ोस में रहने वाले अन्य बाहरी मजदूरों ने उन्हें चाय देनी चाहिए। सुबह पीड़ित महिला की माता जो अलग कमरे में रहती थी वे उन्हें चाय देने के लिए आई। जब वे उनके कमरे के बाहर पहुंची तो देखा कमरा अंदर से बंद है तथा किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही है, तो उसने आनन फानन में अन्य सदस्यों को बताया। तब जाके दरवाजा तोड़ा गया और देखा गया कि वे बेहोश पड़े हैं। परिवार वालों ने 108 एम्बुलेंस की सहायता से घुमारवीं अस्पताल उन्हें लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया तथा माँ बाप की हालत गंभीर बनी हुई है। गौरतलब है कि बाहरी मजदूर पिछले लगभग एक साल से मसौर गांव में दिहाड़ी मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। घटना की जानकारी देते हुए बच्चों की नानी रुखसाना ने बताया कि उनकी बेटी शबाना जिसकी उम्र 21 वर्ष है व उसका पति गुलाम जिसकी उम्र 25 वर्ष की है तथा एक बच्चा जो मात्र 25 दिन का हुआ था हर रोज की तरह अपने कमरे में सोने को गए तथा बारिश व ठंड ज्यादा होने के कारण कमरे में कोयले की अंगीठी जला रखी थी। सुबह जब रोज की तरह वे चाय देने पहुंची तो कमरा अंदर से बंद था, जिसके बाद उसने सभी को सूचित किया। पीड़ित गुलाम मोहम्मद व उनकी पत्नी जिला बरेली उत्तर प्रदेश की रहने वाली है।